नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अपने जो अपना टॉपिक था पिछले उसको उसका सेकंड पार्ट देने अपने हाजिर हैं। तो आज अपने क्या ओवल और रूल में हमें क्या अंतर होता है, जिससे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ओवल और होल होता है दोनों का सेम ही होता है, लेकिन इसमें क्या बस थोड़ा बहुत क्या अंतर भी होता है इसके अंदर। जैसे ओवल होता है इसमें होता है सभी, और होल होता है इसमें होता है पूरा, लेकिन जो दोनों का यूज होता है इसमें काफी अंतर होता है। ओल का यूज होता है काउंटर नाउन के लिए, यानी जो ओल होता है उसका यूज होता है काउंटर नाउन के लिए, और जो होल होता है पूरा यानी इसका यूज होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन होता है समूह वाचक संज्ञा, ठीक है ना। यानी जो ओल होता है उसका यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, यानी जो गिनी जा सकने वाली जो वस्तु होती है स्थान होता है, और जो होल होता है उसका यूज होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया ये किस तरह है, स्टूडेंट्स रेडी टू गो देयर, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, यहां पर क्या है काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर अपने होल नहीं लिखेंगे, ओल लिखेंगे, ओल द स्टूडेंट्स क्या आएगा आपका, ओल द स्टूडेंट्स आ जाएगा। कारण क्या है कि जो स्टूडेंट्स को क्या आपका काउंटेबल नाउन है, तो अपने होल यूज नहीं करेंगे, होल यूज होता है अपने कलेक्टिव नाउन यानी समवाचक संज्ञा के साथ। जैसे ये क्लास है, ठीक है, तो ये क्या समूह हो गया कक्षा में, यानी एक कक्षा में काफी विद्यार्थी होते हैं, तो इस समूह हो गया कलेक्टिव नाउन, अपने होल लगाएंगे यहाँ पर, एक ग्रुप हो गया, होल कंट्री हो गया, एक समूह हो गया, ठीक है, होल लगाएंगे। कारण क्या है कि ये कलेक्टिव नाउन का समूह क्राउड हो, जैसे मान लो मतलब जहां पर एक समूह हो वहां पर क्या है होल का यूज करेंगे यानी कलेक्टिव नाउन हो, और जहां पर क्या है काउंटर नाउन हो कलेक्टिव नाउन ना हो वहां पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स ओल लगा देंगे, यूज कर देंगे। तो ये देखो ओल और होल का आपको मतलब क्या होगा कि ओल और होल में क्या अंतर होता है, लेकिन ओल सीधी सी बात है काउंटर नाउन और होल कलेक्टिव नाउन। अब एक समस्या और अपने ईच और एवरेज बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ईच का यूज कब होता है और एवरेज कब होता है। जो ईच होता है उसका मतलब प्रत्येक होता है, और एवरेज होता है हर एक, बात वही है, यानी इसके अंदर भी काफी क्या है विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होती है कि ईच और एवरेज का यूज किस पर करेंगे, ईच यानी प्रत्येक और एवरेज यानी हर एक, देखने में सेम सा लगता है कि इसमें अंतर है। जो ईच होता है वो कोई कार्य कंपल्सरी हो, यानी जो ईच होता है कोई कार्य मान लो कंपल्सरी है अनिवार्य है करना जरूरी है तो अपने ईच का यूज करेंगे, जो मान लो चीज इतनी अनिवार्य ना हो उसका इतना इंपोर्टेंस ना हो वहां पर एवरी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिपोजिट प्रैक्टिकल फाइल बाय 25 फरवरी, यानी प्रत्येक विद्यार्थियों क्या है 25 फरवरी तक क्या है जो प्रैक्टिकल फाइल को डिपोजिट जमा करानी है। तो देखो ये चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंस इंटरव्यू बंद कर रहा है कंपल्सरी का, यानी फाइल करानी बहुत ही जरूरी होती है, तो यहाँ पर अपने एवरी यूज है, यहाँ पर क्या लगेगा अपने ईच लगाएंगे, यानी यूज होगा किसका ईच होगा, क्या करिए अपने डी करके। कारण क्या है कि यहाँ पर क्या है जो कार्य है वो कंपल्सरी है, ठीक है ना, एंड कंपल्सरी लेवल क्या लगेंगे ईच लगाएंगे, और जब कार्य कंपल्सरी ना हो तो जैसे मान लो सेकंड लेवल देखो आप स्टूडेंट्स एडवाइज टू गो टू विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कहाँ जाने के लिए पिकनिक जाने के लिए। तो देखो यहाँ पर सलाह कोई माने या ना माने, कोई पिकनिक जाए या ना जाए, ये चीज क्या है कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ पर अपने क्या लगा सकते हैं एरिया यूज कर सकते हैं, इसका यूज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, यानी स्टूडेंट्स एडवाइज टू गो टू पिकनिक दी जाती थी या दी जाती है तो हम एडवाइज कर सकते हैं, बढ़ेगा ना एडवाइज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या मतलब है बस सेंस इतना है कि ईच का जो होता है वो चीज क्या है कंपल्सरी हो जरूरी हो वहां पर अपने ईच लगाएंगे, और जो चीज यानी जरूरी ना हो वहां पर अपने क्या है एक का यूज कर सकते हैं। तो आज अपने ऑल होल ईच और एवरी अपना क्या है क्लियर हो चुका होगा। तो अगले वीडियो अपने क्या है जो अपने जो डिफरेंस पड़े हुए हैं उनके बारे में अपने क्या चर्चा करेंगे। थैंक्स।